नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदनी अडास्ते के चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और इवनिंग का टाइम हो रहा था, मैं बना रही थी पनीर और मटर की सब्जी, तो अंधेरा ज़्यादा ही हो चुका था। मोबाइल का टॉर्च जला के वीडियो बना रही थी। और ये देखिए, पनीर और मटर की सब्जी बनाने के लिए मेरी खुद की रेसिपी है, मैं मोबाइल वोबाइल से देख के मैंने सब्जी बनाई है। ये मेरी खुद की रेसिपी है, मुझे इसी तरह की सब्जी पसंद है। और आज मैंने लेकिन इसमें छौके में तेल, जब मैंने गरम हो गया तो मैंने उसमें डाले जीरे और सोप ले और वो क्या कहते हैं काली मिर्च वगैरह, जो गरम मसाला का छौका होता है ना, वो मैंने डाल दिया था। और देखिए मसाला जो है यहाँ पे फ्राई हो गया था। और उसमें मैंने पनीर का 3 ट्राइंगल शेप में मैंने काटे थे उन्हें, लेकिन पनीर कुछ ज़्यादा ढंग का नहीं था, लग रहा था ना कि अभी नया नया पनीर है और टूटने वाले हैं, तो इस टाइप का था। तो उसके वजह से आकार जो है पता भी नहीं चल रहा, ट्रायंगल शेप नहीं पता लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें डाल दिया था गोल्डी का पनीर मसाला डाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी नमक डाला है। और मैंने पनीर को तेल में फ्राई नहीं किए, इसी तरह का पनीर जो है मुझे पसंद है। तो देखिए पनीर अब डाल दिया है, कुछ देर में बस सब्जी खोल जाएगी और बन जाएगी। तो ये यहाँ देखिए दोस्तों, पनीर की सब्जी बन चुकी है और कलर कितना बढ़िया आया है। और आस्था यहाँ अपने लिए खाना परस रही है और अपने हाथों से परस रही है सब्जी। और दोस्तों यहाँ पे हो गया था गुड मॉर्निंग, और मैं बना रही थी सब्जी, बनाने की तैयारियाँ कर रही थी। उसके लिए मैं सोची मसाला पीस के रख लूँ पहले से ही, लाइट ना चली जाए, क्योंकि गांव है तो लाइट की ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। आपको पता ही होगा, जो लोग गांव के हैं उन्हें पता होगा कि गाँव में लाइट की कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं मसाला पीस रही थी और साथ ही साथ मेरी सासू माँ आ गई थी, मैं उनसे भी बातें करती जा रही थी। और मसाला पीसने के लिए देखिए ये क्या कहते हैं हसिया है, इससे मैं जो प्याज छील रही हूँ, क्योंकि चाकू पता नहीं मिल ही नहीं रही है, अब नई चाकू मंगवानी पड़ेगी। तो सुबह की शुरुआत दोस्तों, फिर से झाड़ू लगने के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद यहाँ पे खाना की तैयारी दोबारा से करने लगी थी। और खाना आना बन जाएगा, उसके बाद मेरे हैं और भी दूसरे काम आज, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और तो दोस्तों यहाँ पे खाना पीना सुबह का बन चुका था, आस्था के पापा ड्यूटी भी जा चुके थे, और बल्कि आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इनको ड्यूटी जाने में, कुछ काम में अटक गए थे जिसके कारण जल्दी नहीं जा पाए थे। तो आज कुछ ज़्यादा ही धूप हो गई देखी, और खाना पीना बस बन गया था। आस्था अपनी गुड़िया को लेके बैठी है और वो अपनी गुड़िया को अपने ही कपड़े जो है पहना देती है, फिर उतार देगी फिर दूसरा पहना देगी। तो ये उसका चल रहा था, मैं इधर लगा रही थी झाड़ू, और खाना पीना वैसे बन ही गया था। और ये देखिए आंगन की जो मिट्टी है ना, आजकल बारिश नहीं भी हुई है, और अगर हम लीप देते हैं क्या पता बारिश हो जाए, तो फिर सही नहीं रहेगा। जबकि दोस्तों सुबह सुबह उठ के ही पूरे घर में, वहाँ से जहाँ देखिए वो जो कमरे का गेट है वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही सफाई कर दी थी, बल्कि उस कमरे का भी कर दी थी, और कमरे के बाहर का जो द्वारा होता है वो भी साफ़ कर दी थी। लेकिन अब दोबारा खाना पीना बनने के बाद फिर से देखिए इतना धूल मिट्टी हो गया था, तो दोबारा साफ़ सफाई कर दी थी। तो मतलब गांव में समझ लो कि अगर घर का आंगन बड़ा होता है ना, तो एक घंटा तो उसी में पूरे दिन का चला जाता है झाड़ू झाड़ू लगाने में ही। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा थोड़ा और झाड़ू फेर दे रही थी, ताकि धूल मिट्टी जो है ना कम हो जाए। और लकड़ियाँ बहुत दिनों से यहाँ पे रखी है, लेकिन उसे ना हटा नहीं रहे, और वो भारी लकड़ियाँ तो मुझसे उठेंगी भी नहीं, तो मैं नहीं उन्हें छू रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे ही ये काम करना होगा, उन्हें यहाँ से हटा के दूसरी जगह रखना होगा।
यहाँ पे दोस्तों घर की पूरी साफ सफाई हो गई थी। अब मुझे करनी थी दुकान वाले कमरे की टाल, टाल यानी कि गोबर से लीपना, वो करना था मुझे। तो मैंने देखिए चूना घोल दिया था बाल्टी में और यहाँ पे ढिक लगा रही थी। आप यूपी में ढिक कह लीजिए और इंग्लिश में आप लाइनिंग कह लीजिए, आउट लाइनिंग। तो वो कर रही थी मैं, यहाँ पे लाइनिंग कर रही थी। इससे जो है ना डिज़ाइन बढ़िया आ जाता है, कलर भी बढ़िया आ जाता है, और बीच बीच में रेड कलर गेरू के साथ गोबर लीप देंगे तो और भी बढ़िया दिखने लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ये मिट्टी का फर्श है, बढ़िया दिखने लगता है ऐसा डिज़ाइनदार बिल्कुल। तो आप पूरे ब्लॉग में देखिएगा कितना अच्छा जो है फर्श लगने लगेगा लीपने के बाद। दोस्तों अगर आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो वीडियो है आप देख सकें। तो दोस्तों चैनल एक सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं चाहता है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को प्लीज़। तो डू नॉट मिस, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। हाँ हाँ कर दीजिए सब्सक्राइब, अब सोचिए मत।